राम राम सभी भाइयों को। आज अपना 75 आवर डे चैलेंज का 15वां दिन पढ़ के हनुमान चालीसा और हम पहुंच गए हैं जिम। आज पहुंच के जिम देखा तो पूरी सेना तैयार थी दौड़ने के लिए। मंगल भाई तो होते ही हैं साथ में, आज अपने सुल्तान जी हैं, हरीश जी हैं, अभिषेक हैं, गुल्लू जी अपने छुट्टी पे हैं। आज भाइयों का अच्छे से वार्म अप करा देते हैं ताकि अच्छे से जिम लगा सके सभी लड़के। ये देख लो भाई, दिन में 17 सेक्टर इतना भरा होता है पब्लिक को, लेकिन सुबह 4:45 पे 4-5 बंदे हैं बस। तो चलिए अब अपनी हो गई है रेस पूरी, अब खोल देते हैं जिम। आज हरीश भाई से खुलवाएंगे जिम भाई। आज लेग्स डे है फिर भी लेकिन पुलअप तो लगाएंगे ही और साथ में पुशअप्स भी लगाएंगे। अपर पार्ट के सिर्फ ये दो एक्सरसाइज ही करूंगा आज, बाकी लोअर पार्ट की है आज एक्सरसाइज। तो चलिए चलते हैं, आज की जो मेन एक्सरसाइज है वो लेग्स की है, तो स्क्वाट से ही स्टार्ट करते हैं आज भी। ये वाली स्क्वाट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है जो रोड के साथ लगाई जाती है। लेग्स का जो वर्कआउट है वो वीक में 2 दिन ऐड किया हुआ मैंने, इस वजह से लेग्स की ज़्यादा वीडियो डालनी पड़ेंगी क्योंकि अपर पार्ट इजीली मतलब तैयार हो जाता है लेकिन लोअर पार्ट को बनाने के लिए बहुत जोर लगता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ये वाली मशीन पे लगाएंगे। ये वाली भी स्पोर्ट्स की ही होती है एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है ये लेग्स की। डेली इसी रूटीन में लगा रहा हूँ मैं, चेंज करना पड़ेगा मुझे अब आगे रूटीन। चलिए चलते अब थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो पहले भी मैं 2-3 वीडियो में दिखा चुका हूँ, सेम ही होता है। ये वाली भी जो है वो स्क्वाट होती है और मशीन में वेट डाल के लगानी होती है। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में इसी को एक्सप्लेन किया था बड़े अच्छे से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चल पड़ते हैं थोड़ा जिमनास्टिक की तरफ, जिमनास्टिक की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बीच बीच में, नहीं तो लगातार एक्सरसाइज कर करके एक ही पार्ट की बोर भी हो जाते हैं, तो ये ऐड कर सकते हैं। ये झूले तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि भाई ये झूले ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन भाई कभी करके देखियो, पूरी बॉडी का वेट आपको अपने शोल्डर्स पे उठाना होता है और होल्ड करके रखना होता है, पता लग जाएगा कि कितना ज़ोर लगता है। लो भाई, सुल्तान भाई ने भी बोल दिया कि मैं भी ट्राई करूँगा जिमनास्टिक अब, तो देखते हैं भाई का क्या रहेगा। तो करो भाई ट्राई, तो बहुत कम लोग ट्राई कर पाते हैं जिमनास्टिक का पार्ट। बोलने का कुछ भी है कि ये क्या है, लटकना झूलना, ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी होती है, तो करके देखें तो पता लग जाएगा। तो हमारे भाई भी चाहते हैं कि मैं भी होल्ड करूं अपनी बॉडी का वेट, रोक के देखो अपने शोल्डर्स पे, तो ट्राई करते हैं डेली, लेकिन फेल भी हो जाते हैं कई बार। तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं अब अपनी लेग्स की। तो आज का अपना वर्कआउट हो गया है ख़त्म लेग्स का, तो थोड़ी मस्ती हो जाए अब। सुल्तान भाई के सिग्नेचर स्टेप्स बाकी हैं, क्या बात है। अब भाई उठ चुके हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और इधर से हम भी ललकारेंगे डांस के लिए भाई को। तो करके ये मस्ती मजाक, अब चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ और निकालते हैं अपना जोर, थोड़ा जोर के साथ साथ गुस्सा भी निकल जाता है काफ़ी यहाँ पे। ये लड़ाई की प्रैक्टिस नहीं है भाई, ये स्टेमिना और स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस होती है। कभी बच्चे सोचे कि भाई मैं पीटने के उसमें हूँ या कुछ भी ऐसा, और ये देखिए भाई दोनों को आ गया अब गुस्सा, ये भी अब छोड़ने वाले नहीं है। सुल्तान भाई तो उछल उछल के मारेंगे आज इसको, क्या बात है। 15-20 दिन हो गए इस पंचिंग बैग की, ऐसी तैसी बिठा रखी हम सब ने, पहले नहीं तो ऐसे ही होता था। आप देखिए सिंगल हैंड पे लाठी कैसे जचने लग गई आराम से, ये देखो पीछे से घूम के आराम से। आप जो प्रैक्टिस करोगे उसका रिजल्ट तो आएगा ही। तो करके लाठी वाली प्रैक्टिस और अब लगा लेते हैं पुशअप्स सबसे लास्ट में।
पुशअप से हम डेली अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। आप पिछली हर एक वीडियो में देख रहे होंगे मैं लास्ट में पुशअप लगा रहा होता हूँ। इस चैलेंज से पहले मेरा जो एक्सरसाइज करने का जो स्टाइल है वो अलग था, लेकिन अब मैंने चेंज किया है। तो करके अब एक्सरसाइज ख़त्म, निकल लेते हैं। आज की एक्सरसाइज हुई ख़त्म, टाटा बाय बाय। और नीचे अपना मैसेज तो रह ही गया है, डेली रिपीट में वही है सेम टू सेम जो लगा हुआ बिस्तरों के बाहर। दिन में करके अपने सारे काम और शाम को फिर करेंगे वर्कआउट। और शाम के वर्कआउट के लिए मैंने आज फिर एक नई एक्सरसाइज इंक्लूड की है। लोग जिम में नहीं जा सकते, ये वाली एक्सरसाइज है वो सिंगल लेग से करनी होती है। आपको एक लेग का जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। ध्यान से देखिए, आपके जो नी में प्रॉब्लम है वो भी ठीक होएगी इस एक्सरसाइज से। और स्ट्रेचिंग और थाई की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, हैमस्ट्रिंग पे भी इसका काफ़ी अच्छा असर होता है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है, मेरे स्टूडेंट नेक्स्ट डे बोलते भी हैं कि सर हमने भी आज घर पे ट्राई किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं पुशअप्स की तरफ। ये वाले जो स्पेशल पुशअप्स जो मैंने कल दिखाए थे आज फिर करेंगे, और नॉर्मल वाले पुशअप्स भी किए जाएंगे। और करके पुशअप्स ये श्याम सुंदर जी से आज कुछ ऐसे मंत्रस के बारे में पता लगा है कि हमारे पुराने वेदों में ऐसे मंत्र भी हैं जो आपकी आंखों तक को ठीक कर सकते हैं। तो हमें अपने वेदों पे, अपने ग्रंथों पे और अपने जो भी पुरानी बुकें उन पे विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं जाना। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत सोच समझ के लिखी हुई हैं, कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। इन मंत्रों की एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं लगता है। तो जैसे टाइम लगेगा मैं फिर डिफाइन करना स्टार्ट करूँगा। जैसे अंकित का वो गीता से एक श्लोक डेली का पढ़ने वाला बहुत अच्छा पार्ट था, वो हमारे धर्म को आगे बढ़ाता है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। चलिए गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। और करके दर्शन, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।